कुरावली के ग्राम अकबरपुर निवासिनी 18 वर्षीय निशा उर्फ कुंबा पुत्री श्री किशन गुरुवार की शाम अपनी 60 वर्षीय ताई नारकली पत्नी होतीलाल को अपनी बाइक संख्या HR 19/9246 सेकंड कस्बा के स्वास्थ्य केंद्र से दवा दिलाकर अपने घर जा रही थी। जैसे ही वह जीटी रोड किनारे स्थित संजू गुप्ता के ढाबे के सामने पहुंची, वैसे ही कानपुर की तरफ से आ रहे अज्ञात ट्रक के चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाते हुए बाइक को ओवरटेक कर दिया, जिससे निशा का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से आ रही UP 82S 3857 से टकराकर ट्रक के नीचे आ गई, जिससे निशा व उसकी ताई अनारकली की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरी बाइक सवार सुखवीर पुत्र सरनाम राजेश पुत्र होरीलाल निवासी गन ग्राम कस्तुपुरा प्रकाश पुत्र शिवदयाल निवासी के स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां उपचार के दौरान सुखवीर की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड के दोनों तरफ जाम लगाकर आवागमन बाधित कर दिया। बिगड़ते हालात को अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी भिवान कल्याण जैन सहित बुचिला अंशा भिवान थाने पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों व पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद भिवान सर थाना क्षेत्र कुरावली के जीडी रोड पर एक अभी एक्सीडेंट से दो लोगों की मृत्यु हो गई, क्या मामला है सर? ये बड़ा ही दुखद घटना हमारे कुरावली क्षेत्र में घटित हुई है जी। इसमें एक लड़की, क्या नाम है आपका? शिनोद नाम है भैया। ये जो अभी घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये लड़की अपने ताई को ले जा रही थी हॉस्पिटल से, वापस लेके आई है दवा दिला के। आराम से नॉर्मल स्पीड में थी, बाइक से थी। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी लड़का चला रहा था। अच्छा, वो दूर गिरा जाके, मतलब ये दोनों नीचे टायर के आ गए। अच्छा, ये चपेट में आ गए, मतलब गाड़ी का नंबर अभी किसी ने ले नहीं पाया था, गाड़ी निकल गई थी। और जब फोन ऑन किया, जब एम्बुलेंस और पुलिस कार्रवाई हुई है, जब यहाँ जाम लगाया गया है। बता रहे कि दोनों लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है? एक मौत जाके वहाँ हॉस्पिटल में हुई है। अच्छा, और एक लोगों की यही करंट में ही हो गई। आपको हॉस्पिटल में क्या सुविधा मिली? बता रहे हैं कि एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पाई। एम्बुलेंस तो पहुंचे, टाइम तो लगता ही है, लेकिन टाइम काफी लगा लिया। ये अभी जो दो मोटरसाइकिल द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है? ये जो लड़की चला रही थी, वो पश्चिम तरफ से आ रही थी, इधर से एटा की तरफ से। अच्छा, और जो इधर से आ रहे थे, वो दूसरी मोटरसाइकिल थी ना। अच्छा, वो इधर पुरानी तरफ से आ रही थी। ठीक, और दोनों ओवर ट्रक करी ने, ट्रक को क्रॉस कर हुआ है बुधारी ने, पूरब तरफ से आने वाले ने ओवर ट्रक करके सामने वाली लड़की वाली मोटरसाइकिल आमने सामने बैठ गई, बैठ गए और ट्रक में लगी, और ट्रक में लगने के बाद दोनों दूर गिरी जाएंगे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? लगभग इसमें चार लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं, एक लड़की मौजूदा हालत में खत्म हो गई है। एक खत्म हो गई है, वो भी खत्म होने वाला, एक लड़का भी खत्म होने वाला था, लेकिन हॉस्पिटल दे गए। आप जिस समय ये घटना हुई, आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे मैं।